अगर हम बात करें तो अगले जो मतलब 4-5 दिन का मौसम है उसमें जो तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी धीरे धीरे तापमान बढ़ रहे हैं, किसी जगह घट रहे हैं किसी जगह बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो तापमान में जो NLC नो लार चेंज ही दिया गया है। और क्योंकि जो अगले 5 दिन है उसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हेल वगैरह की भी वार्निंग दी गई है, तो जिसमें एक एक करके कवर करते, तो जब पूरे आसमान में क्लाउडी स्काई रहेगा तो उससे तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा। डे वन की बात करें तो डे वन में आज हमने 4 जगह हेल स्टॉर्म होने के चांसेस है, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है, वो डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, केओनझर, कंधमाल और देवगढ़। उसके अलावा 12 जगह पे हमने थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग प्लस सरफेस गस्टी विंड स्पीड जो रीच कर सकती है 40 टू 50 KMPH, तो उसमें जो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट शामिल है उसमें आपके पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, बोलांगी, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, रायगढ़ा, क्योंझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहाँ पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विद गस्टी सरफेस विंड स्पीड रीचिंग 40-50 KMPH रहेगी। और बाकी जगह भी उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक दो स्थानों पर होने की संभावना है, इसलिए आज लगभग सारे उड़ीसा में येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार डे टू में भी हमने 16 डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सरफेस विंड रीचिंग 40-50 KMPH, जो कि एक दो स्थान पर ही होगी, उसमें भी हम लोगों ने लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट के लिए येलो वार्निंग दी गई है 26 तारीख को, कल के लिए। उसमें मयूरभंज, केओनझर, सुंदरगढ़, झारसुगड़ा, बारगढ़, संबलपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, सोनपुर, बौध, नुआपाड़ा, बुलंगीर, कालाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डे थ्री में थोड़ा सा जो प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, जो सिनोप्टिक सिस्टम है वो फेवर करेंगे, तो उसकी वजह से जो 200 हेक्टापास्कल की विंड है अपर एयर, और जो लोअर जो एंटी साइसर जो बे ऑफ बंगाल अंदर बना, वो जैसे आज भी है उसकी पोजीशन, वो मॉइस्चर इनकर्शन कर रहा है हमारे उड़ीसा लैंड के ऊपर। तो डे थ्री जाने की आपका 27 तारीख को इस एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, तो इसके कारण से ये डे थ्री में भी लगभग 21 जगह पर येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विद गस्टी सरफेस विंड 50-40 होने के लिए डिस्ट्रिक्ट दिए गए बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, मयूरभंज, केओनझर, अनुगुल, ढेंकनाल, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा डे थ्री में भी हेल स्टॉर्म होने की संभावना है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट में हेल स्टॉर्म होने की येलो वार्निंग दी गई है डे थ्री जाने की आपका 27 तारीख को। उसमें जो हेल स्टॉर्म के लिए जहाँ पर एक दो स्थान पर हो सकती है उसमें कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, कालाहांडी, कंधमाल, मयूरभंज, केओनझर और नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसी प्रकार डे फोर डे फाइव में जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट पे एक दो स्थान पर थंडरस्टॉर्म और विद लाइटनिंग होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बे ऑफ बंगाल का जो एंटी साइसर हाई प्रेशर एरिया है उसकी वजह जो जो हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एंटी साइसर की वजह से साउथ ईस्टर्ली साउदर्ली से विंड जो एंटर कर रही है वो मॉइस्चर वाली हवा लेके अंदर आ रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा है, तापमान क्योंकि जो बादल बन रहे वो आफ्टरनून में ही हो रही है पॉसिबिलिटी जो, तो इसकी वजह से उसको इंसोलेशन में टाइम मिल जा रहा है, इसलिए तापमान थोड़ा बढ़ जा रहे हैं, इसकी वजह से अनकम्फर्ट फील हो रहा है थोड़ा। लेकिन ये मतलब इसमें भी ज़्यादा मतलब क्योंकि शाम को बारिश होने की वजह से तो वेदर में ज़्यादा इतना मतलब तकलीफदायक वेदर नहीं रहेगा, कंफर्टेबल वेदर ही रहेगा हिल स्टॉर्म, क्योंकि उसमें हम लोग जैसे जो हिल स्टॉर्म का कारण हम लोग यही देख सकते हैं कि जो हमारा जो अपर एयर सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो हम लोग के जो इफेक्ट है जो इसमें इनमें ऑलवी काल वैसाख चल ही रहा है, तो ये सीजन भी हिल स्टॉर्म का ये रीजन हो सकते हैं।